ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हमारे साथ कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान और इनकी ऑफिस के बाहर ही जो है 3 तारीख और 5 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है ये किस मकसद से है और इसमें क्या क्या चीज बनाने की बात भी सामने आ रही है, उसके संदर्भ में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चीज जो है यहाँ पर बनाई जाएंगी। शमीम भाई, क्या चीज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है तो इस कार्यक्रम में क्या चीजें जो है बनाई जाएंगी? ये प्रोग्राम जो आयोजन किया जा रहा है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पेरेंट बॉडी और यूथ प्रेसिडेंट हमारे दोस्त शानू पठान साहब की जानिब से और राष्ट्रवादी के तमाम पदाधिकारी और हमारे नगर सेवकों ने मिलकर के इसको आयोजन किया है। ये इस तरीके से है कि हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का 5 तारीख को यौम पैदाइश का दिन है, उनका जन्मदिन है। उसको देखते हुए कि उनके यौम पैदाइश के मौके पे कुछ अच्छी पहल हो, कुछ अच्छा काम हो जिससे हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ फ़ायदा मिले, कुछ लाभ मिले, इसको देखते हुए हम लोगों ने 3 तारीख को यहाँ पर कैंप रखा है। जो कैंप तहसीलदार साहब ने, अधिक पाटिल साहब ने हमें उसका परमिशन दिया है और उनकी तरफ से 3 तारीख को तलाटी साहब और सर्कल साहब और उनकी पूरी टीम थाने से आ रही है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये कैंप चलेगा। इस कैंप में क्या क्या चीज़ ऐसी है जो बनाई जाएगी? इनकम सर्टिफिकेट बनाई जाएगी यहाँ पे। इनकम सर्टिफिकेट्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट से क्या क्या फ़ायदा होता है बच्चों को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी तमाम स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप बच्चियों के लिए है, RTE मुफ्त एडमिशन कक्षा में, नो डोनेशन नो फीस, तमाम स्कॉलरशिप योजना और हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की योजना। इस तरीके से ये जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है ये इनकम सर्टिफिकेट के तहत ये चीज़ की जा रही है। दूसरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके तहत भी हम लोगों ने ये भी कैंप लगाया है। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का काम हमारे विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस आप पार्टी ऑफिस पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म मंगा लिया है, यहाँ फॉर्म दिया जा रहा है। हम आवाम से ये अपील करते हैं कि आप आइए, आकर के फॉर्म यहाँ से कलेक्ट करें। जो जो आपको डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन अभी हमने, आप आवाम को बोल रहे हैं लेकिन आवाम को क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा उसकी जानकारी तो दें। आवाम को जो जो डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा आपके माध्यम से हम वो जानकारी आपको देना चाहते हैं। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए जरूरी कागजात, राशन कार्ड, बिजली बिल या टैक्स पावती, बैंक पासबुक, तलाटी साहब खुद पंचनामा यहाँ पे कैंप में बैठे होंगे और वो यहाँ पे ये करेंगे। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप पार्टी ऑफिस पे तंवर नगर के आएं, आकर के यहाँ पे अगर आप कल आ जाते हैं, कल से लेकर परसों तक, तो यानी आपका जो कार्यक्रम है वो 3 तारीख और 5 तारीख को होगा। लेकिन हम बताते हैं आपको जो फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म कब सबमिट है, अगर कल आकर के लोग यहाँ पे फॉर्म भर लेते हैं तो वो 3 तारीख को उनको फर्स्ट टोकन मिल जाएगा। तो 3 तारीख को जैसे ही ऑफिस खुलेगी और कैंप स्टार्ट होगा तो उनकी बन जाएगी सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट हम आमदार साहब का जन्मदिन 5 तारीख को है, उस मौके पे हम वो सर्टिफिकेट हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, सैयद अली भाई साहब और हमारे प्रेसिडेंट आनंद प्राप्ति साहब और हमारे नगर सेवकों के हाथों से दिया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र अवार स्कॉलरशिप है, ये कौन से क्लास के बच्चों को मिलेगा और कितना मिलेगा? देखिए, 1st to 7th के जो बच्चे हैं, जो बच्चे वाकई में मुस्तहिक हैं, उनको हमारे साथी आशिक गर्दी साहब, मुफ्ती अशरफ साहब, शोएब खान, डॉक्टर मुमताज शाह, जावेद मेडिकल, या बहुत सारे हमारे साथी ये खुद स्कूलों में जाकर के प्रिंसिपल से मुलाकात कर रहे हैं, टीचर्स से मुलाकात कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेने के बाद घर तक उनके जा रहे हैं। और अगर वाकई में बच्चा मुस्तैक है तो उस बच्चे को हम लोग, जो बच्चा 1st to 7 है उस बच्चे को हम लोग 1000 रुपीज़ दे रहे हैं और जो बच्चा 8th to 10th है उस बच्चे को हम लोग 1300 रुपये दे रहे हैं। ये स्कॉलरशिप की लॉन्चिंग हम लोग 5 तारीख को करेंगे और 5 तारीख को हर बच्चे को हम लोग उसको उसका चेक दे देंगे, ऐसा हमारी प्लानिंग्स है।
उसके अलावा और एक ऐलान, कितने स्कूलों में है ये? 300 बच्चों को हम लोगों ने देने का हमारा मिशन बनाया है इंशाल्लाह ताला, और अब तक तकरीबन 35 स्कूलों में कंफर्मेशन आ चुका है, 15 बाकी है, 50 स्कूलों तक मामला है हमारा। टीएमसी के स्कूल में है या जो प्राइवेट? टीएमसी में पहले है, बाद में प्राइवेट के अंदर भी है, दोनों स्कूलों के अंदर है। उसके अलावा एक बच्चा है ग्रांड मास्टर अफान कट्टी, वो कुट्टी माफ कीजिएगा, वो बच्चा 13 इयर्स का है, और वो बच्चा क्विप के अंदर आँख को पट्टी बांध करके आपका नाम लिख देगा। ये बच्चा वाकई में मुमरा कोसा से है, ये बच्चा मुबारकबाद का मुस्तहिक है, उसके फैमिली के लोग इस बच्चे को, और उसके बाद जो बच्चे 3 टॉपर से मुमरा कोसा के, उसमें एक का नाम अंसारी मोहम्मद शान है जो 95.20 है, मोहम्मद रफीक है जो 93.40 है, लबिया सरफराज है खान है जो 94 है। इन चारों बच्चों को आमदार साहब जितेंद्र भाट साहब के हाथों से, भाई साहब के हाथों से हम लोग यहाँ पे इन बच्चों को कंप्यूटर्स देंगे, ऐसा हमारा इरादा है। एक बात और बताइए, जो आपके तरफ यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है तो इसमें जो भी सर्टिफिकेट बनाई जाएगी तो वो लोगों तक पहुँचेगी कैसे? क्योंकि जो अभी हमने आपके माध्यम से ये अपील किया है कि जो आकर के यहाँ बनाते हैं सर्टिफिकेट्स, उनको 5 तारीख को सुबह 11:30 बजे विधानसभा ऑफिस पे आना है और उनको ये सर्टिफिकेट यहाँ उनके हाथ में दे दी जाएगी। ये आपके माध्यम से हम अपील करते हैं, ये मेरी अपील है, और मैं ये चाहता हूँ कि प्रहार टाइम्स के माध्यम से ये मेरा मैसेज एक एक घर तक जाए और लोग इसका, इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाएं, और हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के हौसले के लिए दुआएं करें और उनकी जिंदगी के लिए दुआएं करें, उनकी तरक्की के लिए दुआएं करें, ये हम आपसे अपील करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर मुमताज साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो यहाँ पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो सर्टिफिकेट बनाई जाएगी वो सर्टिफिकेट जो है किस किस काम में आ सकती हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जो सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाकर दिए जाएगी तो वो सर्टिफिकेट जो है लोग किस तरह से उसका लाभ ले सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये काम हमारी ऑफिस पे मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के जन्मदिन पर हो रहा है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट इतनी ज़रूरी है लोगों के लिए क्योंकि जितनी भी स्कॉलरशिप की जो स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें इनकम टैक्स ही, इनकम जो सर्टिफिकेट है वो होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्राइटेरिया मालूम पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसी बेस पे जो है आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, तो एक ये फ़ायदा है। और दूसरा क्या होता है कि ये बनाने के लिए लोग जो है हमेशा कॉरपोरेशन में, तहसीलदार ऑफिस में दौड़ना पड़ता है। आज लोग आपके पास खुद ही इस ऑफिस में मौजूद रहेंगे जहाँ सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, इंशाल्लाह वो आसानी से बन जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है डोमोसाइल। डोमोसाइल आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं वहां के लिए डोमोसाइल, तो उसकी जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है माइनॉरिटी के लिए, उसमें डोमोसाइल लगता है और वो बड़ी आसानी से यहां बन रही है। मैं चाहता हूं जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और जिन तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसका इस कैंप में आके फ़ायदा उठाएं। डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास रहता है तो वही सबसे बड़ा आपका प्रूफ रहता है, सबसे बड़ी सच्चाई रहती है। तो जैसा कि आपने सुना कि समीम भाई ने बताया है कि जो यहाँ पर कुछ अहम सर्टिफिकेट बनाई जाएंगी उन्हें बिल्कुल फ्री में यहाँ पर बनाकर दिया जाएगा, और एक बात और इन्होंने बताई है कि जो यहाँ के कलवा मुमरा के आमदार है जितेंद्र आवाड, उनके तरफ से जो है स्कॉलरशिप की लॉन्चिंग की गई है। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि 35 स्कूलों में इसकी जो है पहुँचाया गया है, और भी जो शहर में स्कूल है उनके और वहाँ से बच्चे जो है उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस स्कॉलरशिप का कौन सा बच्चा हकदार है। इनके तरफ से भी तमाम लोग ऐसे हैं जो उन बच्चों के घर जा रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर क्या इस स्कॉलरशिप का ये बच्चा हकदार है या नहीं है, उसके बाद उस बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाएगा।